वापस एक बार हम लोग आ गए हैं एक खतरनाक व्लॉग के अंदर। गाइस ये व्लॉग एक्चुअली खतरनाक होने वाला है क्योंकि आप में से काफी लोगों ने मुझे मांगा था लास्ट टाइम होम टूर के टाइम कि भाई बाहर से भी दिखा दो। तो आज हम लोग एक्चुअली अपना घर देखने वाले हैं बाहर से, बट अभी एक्चुअली आपको कुछ भी नहीं दिखेगा क्योंकि बाहर की लाइट्स बंद है और रात का समय। गाइस अपनी सारी चीज़ें रात में शुरू होती है, उसके पहले कुछ चीज़ें करनी है। मतलब फॉर एग्जांपल अभी ये मेरे भाई के क्या है बर्ड्स प्रो आए, गैलेक्सी बर्ड्स प्रो, तो उसको देते ये जाके पहले वीडियो बनानी है। कौन सी? व्लॉग बनाना, एक चैलेंज है यार तेरे को, फिर से यही टाइम मिलता है। भाई कुछ ज़्यादा ही चमक रहा है ये, एक्चुअली बोलूँ मैं आपको तो। ये देखो ओपन कर ये देखो भाई खतरनाक चमक रही है। तो क्या अच्छा नॉइस कैंसलिंग है इसका? इसका नॉइस कैंसलेशन बहुत अच्छा है। तो इसका अगेंस्ट एप्पल के कुछ एप्पल का गंदा एप्पल का बाहर का आवाज ज्यादा आता है अंदर का। एक्चुअली तू ज्यादा है गोवा के लिए ओके, लेकिन तुझे पता है कि दिवाली की लाइटिंग बाद में करनी है अपने को सही बाहर से। तो एक चैलेंज है, उसमें जो हारेगा वो करेगा सारी लाइटिंग दिवाली की, क्या बोलता है? देखो चैलेंज की जरूरत ही नहीं, यही हारने वाला ना, है। ना 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 इस बार भाई मैं हरा के रहेगा, इस बार हरा के रहेगा। चैलेंज चल, ये बक्से उठा बेटे, चल पांच उठा। गाइस हम लोग ऐसे उठाने वाले इसको, भाई डर लग रहा है मुझे। अगर तूने इसको गिराया ना तो ऑलरेडी चैलेंज हार गया समझ ले। ये भाई चल आगे चल, ए भाई हटा यहां से, नाचक मत कर, चल ओपन कर दरवाजा। ठीक है भाई, कितने मेहनत से सही से मैं इसको यहाँ पे लेके आया, मेरे लिए एक लाइक बनता है। अभी चैलेंज एक्चुअली ऐसा है गाइस, आपको समझ ही होगा ये म्यूजिक बॉक्स से, लाइक म्यूजिक बॉक्स से इसमें से आवाज आता है। ये घुमा इनको सुना है, नहीं 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 मत घुमा, पता नहीं चलना चाहिए इसमें क्या है। ठीक है तो इसमें से आवाज आएगी, म्यूजिक बजेगा और गैस करना है कि ये कौन सा म्यूजिक है। हम लोग क्या करेंगे, पांच बांट लेंगे, ठीक है? वो एक बचेगा मैं उसको गैस करूंगा, मैं एक बचाऊंगा वो उसको गैस करेगा। तो एकदम मस्त हो जाएगा कि जो भी लाइक ज्यादा गेस कर पाएगा, लाइक जिसके ज्यादा हो गया वो जीत गया। चल जल्दी अनबॉक्स कर, चल इसको। नहीं 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 तू अनबॉक्स कर, तेरे को बहुत आता है ना इंडियन मेथड। ठीक है गाइस, इंडियन मेथड फास्ट मेथड। ओह बबल रैप, अरे यार इस वाले में पहले से ही लिखा ये क्या है। ठीक है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको बॉक्स में ही रखते हैं, एटलीस्ट बॉक्स पे बाहर से तो कुछ लिखा नहीं है। तो ये वाला मैं रखूंगा क्योंकि मैंने देख लिया है, इसको गैस होता है कि देखना पड़ेगा। ठीक, फेस्टिवल वाले दिनों में अगर कुछ वाव फेस्टिव ग्लो हो जाए तो मजा आ जाता है। आज करते हैं मी टाइम बिफोर दिवाली टाइम। तो मैं यूज कर रहा हूँ वाव स्किन साइंस की उपटन रेंज। जैसे कि हम सभी को पता है उपटन बनता है एक्चुअली हर्ब्स, ऑयल्स, नेचुरल एक्सट्रैक्ट्स एंड पाउडर्स से। उपटन एक ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक ब्यूटी एंड वेलनेस रेसिपी से बनता है जो कि रेजोनेट करते हैं स्किन, माइंड एंड बॉडी को। सबसे पहले मैं यूज करूंगा ये उपटन का फोमिंग फेस वॉश। इसमें ये जो सिलिकॉन ब्रश है ये हेल्प करता है अच्छे से क्लींस करने में, एंड नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हेल्प करते हैं स्किन रिस्टोर करने में। इस फेस वॉश में है 98.1% नेचुरल इंग्रेडिएंट। अब मैं यूज करूंगा उपटन बॉडी एंड फेस स्क्रब। ये हेल्प करता है अच्छे से एक्सफोलिएट करने में और आपके फेस से डीप सीटेड इम्प्योरिटीज को रिमूव करने में, और ये बनता है 92.8% नेचुरल इंग्रेडिएंट से। थर्ड प्रोडक्ट है ये उपटन फेस एंड बॉडी पैक। ये आपके स्किन टोन को इवन आउट करने के साथ आपके स्किन टेक्सचर को भी इम्प्रूव करता है और हेल्प करता है टैन रिमूवल में। इसमें है 91.5% नेचुरल इंग्रेडिएंट। इस पैक को अभी 15 मिनट्स तक रखूंगा, देन वॉश करूंगा। अभी देख सकते हो मेरी स्किन कितनी क्लीन एंड स्मूथ लग रही है। इन सभी प्रोडक्ट्स में है एलमंड, टर्मरिक, सैफ्रॉन एक्सट्रैक्ट, सैंडलवुड ऑयल, रोज वाटर एंड चिकपी फ्लावर। वाव स्किन साइंस के कोई भी प्रोडक्ट्स में हार्श केमिकल्स नहीं होते, जैसे कि सल्फेट, पैराबिन एंड सिलिकॉन। इनके प्रोडक्ट्स पर दिए गए QR कोड को स्कैन करके आप इसकी ऑथेंटिसिटी चेक कर सकते हैं। तो इस बार खिल के मनाओ दिवाली, सेलिब्रेट गॉर्जियसली, बी वाव नेचुरली। इसको लगता है ये जीतेगा, तो सबसे पहले तू लेके आ, चल दिखा। ओके तो गाइस तो हम लोगों ने इससे स्टार्ट कर दिया, अभी सिर्फ आपको दिखा देता हूँ कि ये एक्चुअली में कौन सा म्यूजिक बॉक्स है, मुझे भी नहीं पता। तुझे कैसे नहीं पता? चल बजाओ। बजा पक्का? बजाओ पक्का? बजाना। Yeah.
ये रोने लग गया क्योंकि ये मतलब म्यूजिक में ऐसे एडिटिंग करते करते सुनता था कभी कभी तो। बजाओ। मैं हारने वाला हूँ क्या बजाओ? हैरी पॉटर का म्यूजिक ये। अभी मेरा बक्सा मैं देखता हूँ ये क्या है। बहुत इजी लाइक लिटरली इजी गाइस। चिटिंग है बजा जो से ठीक है। इस पे एक वीडियो आने वाला है रिवील करूं? ओ हाँ इस चीज पे एक वीडियो आने वाला है गेमिंग पे। गाइस अभी अपनी बारी है देखते हैं अभी। ओके क्या हो गया? क्यों इतना मुश्किल है? Easy! यहाँ स्लो बजाना चाहिए था। बजा बजा बजा। पिंक पैंथर। शायद से ये इसको नहीं जमेगा मुझे लग रहा है। ये शायद से नहीं जमने वाला क्योंकि इसने देखा ही नहीं ये। गेम ऑफ थ्रोन्स इसको आता है तूने देखा है पूरा? इससे पूरा ना ये कस्टिल इसको पता है पूरा मतलब कुछ देखा नहीं ये गेस किया सीरियसली गेम ऑफ थ्रोन्स ये एक्चुअली मुझे फोन गया आईफोन 13 चेक कर अब सिरेमिक इसको मैं इधर रख देता हूँ साइड में रखते भाई। ओके गाइस तो ये मैं दिखा रहा था You're my sunshine, you're my sunshine. उल्टा नहीं बजता कैसा? नहीं बजता। ये इजी है। ओके, ये कुछ ज़्यादा इजी है, like literally ज़्यादा इजी। ये देखो, तुम लोग भी देखो। मेरा बर्थडे तो नहीं वैसे। Happy birthday, right? Guys, सही में बता रहा हूँ, ये वाला मैंने देखा ही नहीं, but most of लोग को पता होगा। देखते हैं। F R I E N G S friends कहाँ पे देखता है यार तू ये? अरे देखा मैंने पूरा। ये देखते ये कौन सा? अरे यार बच्चे बच्चे को पता ही होगा बच्चे बच्चे। बट अगर मुझे नहीं पता होगा तो तू बच्चे से भी गया घुसते। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार रख दे चल गाइस अभी अपने पास बस लास्ट बचा है। ये गेस कर लिया ना गाइस तो मुझे बस इसको एक से हराना पड़ेगा और मुझे लगता है ये गेस कर पाएगा क्योंकि इसको शायद पता होगा। नारुतो का थीम सॉन्ग। भाई तू किधर देखता है? बॉक्स में देखता है या फोन में? सीरीज ये एक्चुअली गाइस बक्से पे ही नाम लिखा है ठीक है तो इसको दिखाई नहीं सकता मैं भी अंदर से प्ले करूंगा इसे। नहीं पता तुझे? हंस क्यों रहा था? तो मुझे लगा ये हंस रहा है तुम्हें पता इसको क्योंकि मैं हारने वाला हूँ इसलिए सच नहीं पता। यह है स्टार वॉर्स। सही में नहीं पता स्टार वॉर्स का ऐसा म्यूजिक भी है? हाँ कितना फेमस है स्टार वॉर्स गाइस। तो एक लास्ट वाले ने चिता दिया हमें। फिक्स था ये तेरे को सब पता था इसमें क्या है? ना मुझे कुछ से पता था। ऑर्डर किसने किया? इसने आधे किए आधे मैंने किए दो ही किए थे मैंने। दिवाली की सारी लाइट बाहर की काफी काफी बड़ा काम है आपको लगता होगा छोटा काम बाद में पता चलेगा आपको जब बाहर से दिखाऊंगा ना क्या क्या लाइटिंग करनी इसको बहुत लाइटिंग नहीं सिर्फ और कितने दिए भी है ना बहुत सारे दिए भी लगा गाइस ये व्लॉग में आपको दिख जाएगा कितना कंपाउंड है। तो गाइस अभी हम लोग चलते सीधा बाहर की ओर। अभी भी एक्चुअली रात का समय है हम लोग जोर से बोल नहीं पाएंगे चिल्लाएंगे चुप चुप चुप। सो एक्चुअली गाइस मुझे लगता है आपने ये वाला पार्ट तो देखा ही होगा वॉशिंग वाले वीडियो में जहाँ पे मैंने सब धोई थी गाड़ियाँ
एंड ये है मेन गेट, यहाँ पे रखते बड़ी वाली गाड़ी। अरे लाइट्स लगा सारी, सब लगाओ, सब लगा चा। ओ भाई यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, देन ये साइड की भी गेट की भी लाइट लग गई है। उसकी लगा लाइट। एक्चुअली ना गाइस रात में मस्त दिखता है ये कंपाउंड हमारा, ऑनेस्टली बोल तो। अभी ये लाइट्स लगाएगा, ये देखो दूर से दिखाता हूँ, ठीक है, क्या बढ़िया दिखता है। ये गेट खोल, चल। कैसे खोलूँ? रिमोट ला जा। रिमोट है गाइस इस गेट को। एक्चुअली ये थोड़ा सा ऑटोमेटिक टाइप का गेट है, सेमी ऑटोमेटिक समझो इसको। तब तक मैं सामने से आपको ऊपर की लाइट्स दिखाता हूँ, वहाँ पे भी लाइट्स है मस्त वाली। ये वाली चालू करना भूल गया शायद से ये बंदा, ये कौन चालू करेगा? एक्चुअली गाइस है ना हमारे दो घर है, ओके, ये वाला आपको पता ही है, इसका पूरा टूर दिया है। और पीछे वाले में हम लोग मोस्टली रहते हैं, लाइक रहते इन द सेंस कि सोता वगैरह पीछे हो, ठीक है, वहाँ की भी सारी लाइट्स लगाएंगे। लेकिन अभी गेट का जो रिमोट है वो उस वाले घर में, तो मेरा भाई ऊपर से जाएगा, लिटरली ऊपर से जाना पड़ेगा उसको। यहाँ पे देखो ऐसा बीच में दिखा था आपको, ओके, तो ये देखो यहाँ से कनेक्टेड है, वो देखो वो जा रहा है भाई, वो वहाँ से जाएगा। जल्दी जल्दी जल्दी, ये वाला दूसरा घर है, यानी कि फर्स्ट घर है एक्चुअली, दूसरा नहीं बोलेंगे इसको। यहाँ पे थोड़ा काम चालू अभी भी अपना, देखो कुछ पाइप्स वगैरह है, ये लाइट्स भी है ना आज ही लगाई है। ओह ये चालू कर दी उसने भाई, ये देखो क्या ही मस्त दिखती है ये, मुझे तो काफ़ी पसंद आई। और ये ऊपर वाली भी है ना, ये आई थिंक आईफोन सही से नहीं कैप्चर कर रहा है, बट इसमें देखो वो ऐसे डॉट डॉट्स है, वो काफ़ी बढ़िया दिखते वो डॉट डॉट्स। ये वाली लाइट्स भी खतरनाक है, लाइक एकदम ऐसे मस्त वाले इसमें लगाई है वो पैटर्न में, और इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं एक्चुअली, लाइक आई गेस है ना इसको ऐसा कर सकते हैं, लाइक ये देखो अभी ऐसा, लाइक इसकी बीम कम ज़्यादा कर सकते हैं मस्त वाली। ये भी लाइक ऐसा यूनिक सा कंसेप्ट है, मुझे काफ़ी पसंद आया था। ये देखो अभी ये बड़ा, वो देखो वहाँ से आ रहा है, चालू कर चल। सेमी ऑटोमेटिक है ये एक्चुअली, ये अलेक्सा पर वगैरह नहीं काम करेगा, नॉर्मली काम करेगा, फिर भी सेंसर लगाना बाकी इसको। चलो बाहर से दिखा दो आपको, ये देखो गाइस ये साइड भाई यार क्या ही मस्त है, इधर भी लाइट से, इधर भी कुछ टेक्सचर वगैरह भी आएगा, ये साइड भी भाई साहब, उधर ये अपना बड़ा गेट, देन पीछे घर, इसमें भी लाइट्स है एक्चुअली ऊपर, भाई खतरनाक दिखता है एक्चुअली, खतरनाक दिखता है। अबे ये गेट बंद कर रहा है, ओपन कर चल। ये देखो बाहर से भी लाइट्स कैसी लग रही है उधर, एंड इधर भी भाई साहब क्या ही मस्त लग रहा है, लाइट ही लाइट है, फुल लाइट पर। अभी रात का समय इसलिए गेट लगा रहा है। ए भाई तू तो अंदर आ जा, अंदर आ, अंदर आ भाई, ये कुत्ते भी आने लग गए। भाई रहो भाई, ये गंदगी करते काफ़ी बहुत बार, ये उनको बिस्किट दे रहा है काफ़ी ज़्यादा। अच्छा होना मैं एक्चुअली है ना, ये लाइट जस्ट टूटी, लाइक टूटी मतलब निकल गई यहाँ से। भाई यार ये होते रहता है, काम चालू अभी भी। और ये साइड से तो दिखाना ही भूल गया तुम लोग को, ये देखो भाई क्या ही खतरनाक इफेक्ट आता है, देखो इसका ऊपर भी देखो ये टाइल्स पे, यार क्या ही खतरनाक इफेक्ट आता है। एंड ये देखो ऊपर की ये वाली लाइट्स, ये तो देखा ही आपने ये सब। और वैसे गाइस कैमरास कुछ ज़्यादा ही हमारे घर में, तो भाई कुछ टेंशन की ज़्यादा बात नहीं है, ठीक है। ए चल जल्दी चालू कर। तो स्मार्ट लाइट क्यों लगाया तुमने? स्मार्ट लाइट सेट करना रह गया है, अलेक्सा में स्विच असाइन करना रह गया इसलिए। ओ भाई देखो देखो ये वाली कैसी मस्त ऐसे एक्स शेप में है। ओ भाई और इधर है ना, एक्चुअली ये हमारा लाइक गार्डन छोटा सा चालू है, इसका भी एक्चुअली काम ही चलता है। पौधे आगे से ना सुबह दिखाऊंगा मैं आपको, ये तो लाइक लाइटिंग दिखाने के लिए मैं अभी आपको सब कुछ दिखा रहा हूँ रात को, बाद में हम लोग यार सुबह देख लेंगे सारे के सारे ये वाले पौधे। एंड पीछे के साइड भी लाइक कुछ है नहीं इतना खास, लाइक पीछे के साइड ये साइड तो कुछ नहीं, उधर से चलते, चलो वापस चल। आ जा चल, ये साइड से हम लोग आते हैं अभी, ये साइड से देखो इधर भी छोटा सा लॉन वगैरह स्टार्ट किया है, यहाँ से भी देखो उधर भी एक लाइट निकल गई है। भाई क्या चाह रही है, कुछ नहीं थोड़े बहुत पेड़ पौधे यहाँ पे, एंड बड़ा सा जनरेटर, क्योंकि यार लाइट तो लाइक हमारा देश इतना मस्त है ना गाइस, यहाँ पे कंटिन्यूस लाइट आती है, इसलिए मुझे लगा यार जनरेटर ले लेते ना, ऑब्वियस आपको पता ही है भाई लिटरली कितना बड़ा ही है, कुछ ज़्यादा ही बड़ा ही है। एंड यहाँ पे भी पीछे कुछ नहीं, वहाँ से देखा था आपने, यहाँ से वापस इस घर में जा सकते हैं हम लोग,
यहाँ से जा सकते हैं, बट अभी लॉक है ये, तो हम लोग को सामने से या ऊपर से चलना पड़ेगा। अभी मुझे लगता है बचा हुआ आपको सुबह दिखा था, बचा हुआ भी नहीं लाइक वही चीजें आपको सुबह में दिखा था कैसी दिखती है, क्योंकि अभी कुत्ते भी भौंकने लग गए, तो अंदर चल। चल बंद कर वीडियो। ए, 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 बस 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 क्या और क्या इधर टेरेस रह गया अपना। रात में सोचता है ये रात में दिखाना है कैसा दिखता है अपने को। आ जा चल ठीक है, तो यहाँ से ऊपर जाते हैं हम लोग, और ये है सीक्रेट रूम। ये बहुत गंदा हो गया दरवाजा पता नहीं क्यों, ये मिरर सब जगह मिरर है। और रुक, मैंने पूछा था लोगों को टेरेस कौन सा साइड, तो टेरेस गाइस एक्चुअली ये साइड वुडन डोर के पीछे। आ जा, इसके भी लाइट्स चालू थी क्या? ऊपर से देखो गाइस मस्त वाला टेरेस है अपना। ये इधर भी एक सीक्रेट रूम, एक्स्ट्रा सीक्रेट रूम गाइस। सीक्रेट रूम सी सीक्रेट रूम है अपने पास, कमी नहीं सीक्रेट रूम की भाई। सीक्रेट बेस होता है माइनक्राफ्ट में, उसमें से भी ज़्यादा सीक्रेट रूम है अपने पास। ये देखो अपना टेरेस है ये, देन ये भाई तू क्या कर रहा, उठना सोना है तुझे, जल्दी उठ के इसको गोवा जाना है। कल जाना उठ। ये ऊपर है ना, कब से एक बॉल लग छोटा प्लास्टिक का बॉल अटक गया, प्लास्टिक नहीं टेनिस से टेनिस बॉल अटक गया। ठीक है, मैं भाई वो छोटे बच्चे आए थे हमारे, मतलब यहाँ पे रहने वाले, वो बोल रहे निकाल के दो। अभी वो निकालना मुश्किल है क्योंकि यहाँ पे चल के नहीं जा सकते, काफ़ी ज़्यादा खतरनाक चीज़ है ये। ये देखो ऊपर से ऐसे दिखता है नीचे लॉन, मस्त दिखता है यार ऊपर से भी ग्रीन कलर का। लाइट बिल कौन भरेगा? लाइट बिल मुझे ही भरना पड़ेगा, और एक चैनल आएगा इसका, ये भरता भी नहीं है गाइस। तो चलो अभी सुबह चलते हैं सीधा, यही चीज़ें थोड़ी बहुत दिखाऊंगा आपको सुबह कैसी दिखती है। अभी एक्चुअली ये सुबह का समय है और यहाँ पे एक्चुअली गेट का काम चालू है, वो लोग अभी बाहर गए, काम चालू है अपने गेट का। ये ऐसे दिखता है घर एक्चुअली में सुबह के समय में, अच्छा ही दिख रहा है यार, मौसम भी सही से है, ठीक ठाक ये भाई एकदम बढ़िया। और ये देखो यहाँ से मैंने आपको दिखाया था लाइट्स थी पहले यहाँ पे, बट अभी विदाउट लाइट्स ऐसा दिखता है। ये थोड़ी सी गंदगी तो दिख रही है, बट वो तो पानी से हो ही जाता है यार। ये साइड से भी ऐसा दिखता है अभी, ये देखो एसी चालू मेरे रूम का क्योंकि मुझे अभी अंदर जाके काम करना है तुरंत के तुरंत। ये देखो सुबह के समय में ऐसा दिखता है ये छोटा वाला गार्डन, और ये फूल रात में ठीक से दिखे ना होगे आपको, सब अलग अलग कलर्स के लगभग एंड अलग अलग टाइप के भी है। यहाँ पे लॉन भी है छोटा सा, वहाँ पे भी काफ़ी सारे फूल, लाइक लिटरली वहाँ तक फूल है अपने। यहाँ पे एक्चुअली ये करना भूल गए हम लोग, लाइक ऑटोमेटिक जो पानी का सिस्टम होता है ना, जिससे ऑटोमेटिकली पानी आता है, वो करना भूल गए। तो ये देख लिया आपने बाहर से, आपको पता है विकास को इसको पूरा डेकोरेट लाइटिंग करनी है दिवाली के समय में, तो उस व्लॉग के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।